मालोनी जो है सुर्खियों में है, और वो वजह यह है कि बच्चे चोरी होने की जो यहाँ पे अफवाह है बड़ी तेज़ी से फैलाई जा रही है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है बच्चे की जो चोरी की अफवाह है उस पर, ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ के जो स्थानीय है रहवासी है, उन्होंने क्या देखा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया। सर आपका नाम क्या है? इकबाल पटेल। सर ये जो मालोनी में अफवाह फैली है बच्चे चोरी की, कितनी सच्चाई और क्या है? सर सबसे बड़ी वजह तो ये है, सोशल मीडिया जो है, जो व्हाट्सएप फेसबुक पे जो डाल देते हैं ये सब अफवाह है और ऐसा नहीं डालना चाहिए, इसमें लोग गुमराह हो रहे और ऐसा कुछ भी नहीं, बेकसूर लोग मारे जा रहे जिनका कोई कसूर नहीं है, कोई मतलब का किसी को भी पकड़ के लोग बच्चा चोर बोल के उसे ये कर रहे हैं, बल्कि ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा करके तो सोशल मीडिया फेसबुक पर जो लोग डाल देते हैं ना, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक पूरा कन्फर्म नहीं होता है आप प्लीज़ ऐसा मत डालो, कुछ भी वीडियो मत डालो, ये सब होने से लोगों के अंदर एक अलग ही अफवाह फैल रही है, बच्चों को अपने घर से बाहर मत जाने दो, बच्चों पे ध्यान रखो, क्योंकि हमारे मालवनी के अंदर एक भी बच्चा ऐसा गायब नहीं हुआ है और ये सब अफवाह का बाजार चल रहा है। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम अब्दुल हन्नान है। ये जो मालवनी में बच्चा चोरी होने की जो अफवाह चल रही है उसमें कितनी सच्चाई और पूरा मामला क्या है? ये जो बच्चा चोरी होने का जो मामला है ये तो पूरी तरीके से जो ये अफवाह है, जैसे कि अभी मेरे भाई ने यह बताए कि कैसे जो है ये सोशल मीडिया की मदद से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अभी मेरी जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से और जो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल करते हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसा उन्होंने जो है उनसे ये गलती हुई कि बगैर जाने इस अफवाह को आगे बढ़ा दिए, अब मुझे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अब जो है ना ये अफवाह है इस बात को आगे बढ़ाए ताकि लोग जो है परेशान होने से और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने से बच जाए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल खान है और मैं जनहित विचार फाउंडेशन का फाउंडर मेंबर हूँ। सर बीती रात एक बच्चा चोरी का जो मामला है वो सामने आया, वो पूरा मामला क्या है, कितनी सच्चाई है? व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि लोग बच्चा चोरी कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस मालवनी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन हुई है तो ऐसा कोई मामला अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है कि किसी ने बच्चा चोरी किया है, और जो महिला ने बच्चा चोरी के ऊपर जिसका इल्ज़ाम लगाया था कि जिसने बच्चा चोरी करी है वो सब कुछ फेक था जो व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए पहुंचाई जा रही थी, और जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो महिला मिली है वो खुद मालूनी की रहने वाली है 7 नंबर की, लेकिन कुछ लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए से जो अफवाह फैला रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि ये अफवाहें ना फैलाएँ, और किसी गरीब की आपकी वजह से जान जा सकती है जिसका खामियाजा आप खुद भुगत सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इलियास शेख है। सर बीती रात मालवनी में 6 नंबर पे कहीं बच्चा चोर औरत को पकड़ा गया, पूरा मामला क्या है? हाँ जी, हम जो देख जैसे आप देख सकते हैं हम खुद पुलिस स्टेशन पे खड़े हैं, पीछे लिखा हुआ है मालवनी पुलिस स्टेशन, हमने यहाँ पे पुलिस वालों से इंक्वायरी की है, वो जो बेचारी गरीब औरत थी वो 6 नंबर पे काम करती थी जहाँ उसको पीटा गया, और उसका रहने का जो ठिकाना था 7 नंबर गेट पे वो रहती थी, तो उससे बस खाली अफवाह सुनकर जो है उसे पीटा गया बेचारी को। तो मेरी आवाम से पब्लिक से ये इल्तजा है कि अफवाहों पे ध्यान ना दे, ऐसा किसी मजलूम को गरीब को ना मारे फिजूल में, इसका खामियाजा उनको खुद को भुगतना पड़ेगा, कि मालूनी चौकी में उनको जमा किया जाएगा। पुलिस वालों ने कहा है कि अफवाह का आप बोलिए कि ना करें। बवाल खबर के लिए मैं अब्दुल चौधरी मुंबई से।